नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे बिंदास हरियाणा। करनाल में दीपेंद्र ने भाजपा पर साधा निशाना। उदयभान का सीएम सैनी पर पलटवार, बोले बापू बेटा की बात करते हो, बेटा 5 बार बना सांसद। हरियाणा के करनाल पहुंचे रोहतक लोकसभा सीट से सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा। कांग्रेस पर भर्ती रोकने के आरोपों पर दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि प्रदेश के युवाओं के साथ भाजपा ने अन्याय किया है। अगर देश की बात करें तो सबसे ज्यादा बेरोजगारी हरियाणा प्रदेश में है। हरियाणा में ही सबसे ज्यादा पेपर लीक हुए हैं, सबसे ज्यादा भर्ती घोटाले हरियाणा में ही हुए हैं। एचपी एसएससी दफ्तर से करोड़ों रुपए की बरामदगी हुई। करनाल के अम्बेडकर चौक पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, किस नौकरी के लिए कितने रुपए तय किए गए, वो भी शीट बरामद हुई। पिछले 5 साल में 10,000 पक्की भर्तियां नहीं आ पाई। अगर कोई भर्ती आई तो उसमें हरियाणा के बाहर के जवानों को नौकरी दी गई। सबसे ज्यादा बेरोजगारी, सबसे ज्यादा नशा हरियाणा में ही है। और हरियाणा इस स्थिति में क्यों आया, हरियाणा इसका जवाब मांगता है। प्रदेश अध्यक्ष का सीएम सैनी के बयान पर पलटवार। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदयभान ने सीएम नायब सैनी के बयान पर भी टिप्पणी की। सीएम ने कहा था कि कांग्रेस भाजपा से तो हिसाब मांग रही है, कांग्रेस अपने कार्यकाल का भी हिसाब दे। इस बयान पर पलटवार करते हुए उदयभान ने कहा कि जब कांग्रेस का राज था तो उस वक्त 81 किलोमीटर की मेट्रो लाइन बची थी। भाजपा वाले बताएं कि इनके कार्यकाल में कितनी मेट्रो लाइन को आगे बढ़ाया गया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कार्यकाल में 47,000 करोड़ खर्च करके 4,500 मेगावाट के 4 बड़े बिजली प्लांट लगे थे। इन्होंने एक यूनिट का भी प्लांट नहीं लगाया। कांग्रेस के कार्यकाल में 16 यूनिवर्सिटी बनी थी, मेडिकल कॉलेज बने थे, AIIMS का सेंटर बना था, इन्होंने एक भी नहीं बनाया। कांग्रेस के समय में 1600 करोड़ के बिल माफ किए गए थे, इन्होंने एक पैसा माफ नहीं किया। कांग्रेस के राज में 3.92 लाख प्लॉट 100-100 गज के दिए थे, इन्होंने कोई प्लॉट नहीं दिया। यात्रा में ही नहीं, अपने अपने क्षेत्रों में भी करेंगे प्रसार। उदयभान ने कहा कि इस यात्रा में सिर्फ कांग्रेस नेता शामिल ही नहीं होंगे, बल्कि अपने अपने क्षेत्रों में भी हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की तरह काम करेंगे। उन्होंने कहा कि आज कानून व्यवस्था ठप हो चुकी है, गोलियां चल रही हैं, हत्याएं हो रही हैं, रेप हो रहे हैं, गैंगस्टर ने विधायकों तक को भी नहीं छोड़ा, उनसे भी फिरौती मांगी गई। जिस तरह से व्यापारी भयभीत हैं, उद्योग धंधों पर कितना विपरीत असर पड़ रहा है, कोई निवेश करने को तैयार नहीं है। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी दिन भर की बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बिंदास हरियाणा।